तो हेलो दोस्तों, टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के पांच न्यू प्लान्स के बारे में। दोस्तों यहां पर जो पांचों न्यू प्लान्स हैं बीएसएनएल की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये जो रिचार्ज प्लान है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पहले भी लॉन्च बीएसएनएल कर चुका है। किसी भी वजह से बीएसएनएल ने इन रिचार्ज प्लान को अपनी कंपनी से बैन कर दिया था, लेकिन दोस्तों यहां पर फिर से जो है बीएसएनएल ने इन पांचों रिचार्ज प्लान को फिर से लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों यहां पर बीएसएनएल की तरफ से जो भी पांचों नए रिचार्ज प्लान लॉन्च हुए हैं इनमें आप लोगों को काफी कम प्राइस में एक अच्छी वैलिटी और काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आप लोगों को इन सेम प्राइस में अगर आप लोग किसी भी अदर ऑपरेटर में रिचार्ज प्लान को कराते हैं तो आप लोगों को कोई भी अदर ऑपरेटर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो जैसी कंपनियां कभी आप लोगों को इतने कम प्राइस में इतना अधिक बेनिफिट नहीं दे सकती हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो भी बीएसएनएल के पांच ऐसे रिचार्ज प्लान हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, साथ ही आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग बीएसएनएल के किसी भी रिचार्ज प्लान को अपनी सिम कार्ड में करेंगे तो आप लोग काफी कम पैसे में अपने रिचार्ज प्लान को करा सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना है। और इससे पहले अगर आपने टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो सबसे पहले मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर बीएसएनएल की तरफ से जो भी फर्स्ट पहला रिचार्ज प्लान बीएसएनएल कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस यहां पर रखा गया है 399 रुपीज, 399 रुपए का। जिस रिचार्ज प्लान को अगर आप लोग अपनी सिम कार्ड में करा लेते हो तो इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को सबसे पहले तो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, साथ ही आप लोगों को 1 GB का डेटा पर डे दिया जाता है, 100 SMS आपको रोज मिलते हैं, और इस रिचार्ज प्लान की जो वैलिडिटी रखी गई है वो पूरे 80 डेज 80 दिनों के लिए रखी गई है। और साथ ही इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को PRVT ट्यून्स का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसी के साथ बीएसएनएल ने अपना नेक्स्ट रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, वो है 429 रुपीज का, 429 रुपए का। इस रिचार्ज प्लान को अगर आप अपनी सिम कार्ड में कराते हैं तो इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को सबसे पहले 1 GB का डेटा पर डे मिल जाता है, 100 SMS आप लोगों को पर डे मिल जाते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाती है। इसी के साथ इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को बीएसएनएल की तरफ से रखा गया है 81 डेज 81 दिनों के लिए। तो आप लोग यहां पर बोलोगे जो भी 399 रुपए का बीएसएनएल ने अपना रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है और जो भी 429 का रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है इनमें जो बेनिफिट है सेम है, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे क्यों है, 30 रुपए एक्स्ट्रा क्यों है? तो यहां पर बीएसएनएल की तरफ से जो भी 429 का रिचार्ज प्लान लॉन्च हुआ है इसमें आप लोगों को ईरोज नाउ का सब्सक्रिप्शन अलग से मिल जाता है। इसी के साथ बीएसएनएल ने अपना नेक्स्ट रिचार्ज प्लान, तीसरा रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है 447 रुपीज, 447 रुपए का। इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को सबसे पहले अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाती है, इसी के साथ आप लोगों को 100 GB का डेटा आपको एक साथ इकट्ठा मिल जाता है, और इसी के साथ आप लोगों को 100 SMS इस रिचार्ज प्लान में पर डे मिलते हैं। और इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को कंपनी की तरफ से रखा गया 16 डेज यानी कि 60 दिनों के लिए। तो काफी कम पैसे में आप लोगों को एक अच्छी वैलिडिटी बीएसएनएल प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ बीएसएनएल ने अपना चौथा रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जिसका प्राइस यहां पर रखा गया है 499 रुपीज का, 499 रुपए का। जिस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को सबसे पहले 2 GB का डेटा पर डे दिया जाता है, इसी के साथ अनलिमिटेड कॉल्स आपकी हो जाती है, किसी भी नेटवर्क पर आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को इस रिचार्ज प्लान में 100 SMS पर डे मिल जाते हैं, और इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को बीएसएनएल ट्यून्स और जिंक का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और इस रिचार्ज प्लान की जो वैलिडिटी है कंपनी की तरफ से 19 डेज यानी कि 90 दिनों के लिए रखी गई है। दोस्तों यहां पर बीएसएनएल ने जो भी अपने पांचों रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं इनमें सबसे बड़ा रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है 1499 रुपए का। जिस रिचार्ज प्लान को अगर आप लोग अपनी बीएसएनएल की सिम कार्ड में करा लेते हो तो इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को सबसे पहले अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाती है, इसी के साथ आप लोगों को 100 SMS पर डे दिए जाते हैं, और इसमें आप लोगों को 24 GB का डेटा इकट्ठा मिल जाता है, पर डे डेटा नहीं मिलता है। और इसी के साथ आप लोगों को इसमें ईरोज नाउ का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, और इस रिचार्ज प्लान की जो वैलिडिटी है कंपनी की तरफ से पूरे 365 दिनों के लिए 1 साल के लिए रखी गई है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों ने देखा बीएसएनएल के जो भी पांचों रिचार्ज प्लान है काफी कम इनका प्राइस रखा गया है, प्राइस के हिसाब से आप लोगों को इनमें जो बेनिफिट है इनकी जो वैलिडिटी है काफी एक लंबी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपके एरियाज में बीएसएनएल का नेटवर्क प्रॉपर तरीके से अच्छा आता है तो आप लोग इनमें से बीएसएनएल का किसी भी एक रिचार्ज प्लान को करा सकते हैं काफी कम पैसों में। अब बात की जाए इन रिचार्ज प्लान को आप लोग किस तरह से काफी कम पैसों में करा सकते हैं, तो इन रिचार्ज प्लान को जो है आप लोग अगर इजी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान को करते हैं तो आपको बीएसएनएल के किसी भी रिचार्ज प्लान को करने पर 4 से 5% का कैशबैक इंस्टेंटली मिल जाएगा।
सपोज दैट अगर आपने अपने BSNL के सिम कार्ड में 1500 रुपए वाले रिचार्ज प्लान को किया तो आप लोगों को यहाँ पर 5% के हिसाब से 75 रुपए इंस्टेंटली उसी ऐप में मिल जाएंगे। और साथ ही आप लोग इजी पेमेंट एप्लीकेशन की मदद से किसी भी और टेलीकॉम कंपनी के भी रिचार्ज कर सकते हो और पैसे अर्निंग कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को BSNL की तरफ से जो भी 5 नए रिचार्ज प्लान लॉन्च हुए उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी हुई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसी ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।